नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 710 का विद जो लेटेस्ट लॉन्च है स्नैपड्रैगन 675 के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ एंड कंपैरिजन। तो दोस्तों, जो स्नैपड्रैगन 710 है वो 700 सीरीज़ का फर्स्ट चिपसेट था और काफ़ी पॉपुलर चिपसेट था अपर मिड रेंज का। और वहीं अगर मैं स्नैपड्रैगन 675 की बात करूं तो ये एक सब्सटेंशियल अपग्रेड है ओवर स्नैपड्रैगन 660। तो दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं इनके सीपीयू आर्किटेक्चर के साथ। तो जो स्नैपड्रैगन 710 है वो बेसिकली एक ऑक्टा कोर चिपसेट है जिसमें दो हाई परफॉर्मेंस कोर हैं जो कि रन करती हैं अप टू 2.2 गीगाहर्ट्ज़, और ये कोर्टेक्स A75 कोर्स हैं, और 6 कोर्स हैं एफिशिएंसी कोर्स जो कि रन करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़, और ये कोर्टेक्स A55 बेस्ड कोर्स हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये 10nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोसेसर है जो कि काफ़ी पावर एफिशिएंट एक टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों, अगर मैं वहीं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 675 की, तो ये क्रायो 460 CPU का जो आर्किटेक्चर है उसे यूज़ करता है, जिसमें दो गोल्ड कोर्टेक्स A76 कोर मिलेंगी जो कि हाई परफॉर्मेंस कोर है और रन करती हैं 2 गीगाहर्ट्ज़, और 6 कोर कोर्टेक्स A55 वाली हैं जो कि रन करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़। तो ये 11nm की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोसेसर है। और अगर मैं दोस्तों रॉ परफॉर्मेंस की बात करता हूँ CPU की, तो डेफिनेटली जो 675 है उसका जो परफॉर्मेंस है CPU की वो थोड़ी बेटर होने वाली है स्नैपड्रैगन 710 के कंपैरिजन में। दोस्तों, अगर कैमरा ऑप्टिक्स की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 710 में स्पेक्टर 250 ISP का यूज़ किया जाता है, और ये 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है और प्लस सिंगल 25 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट करता है। ये दोनों ही ZSL टाइप ऑफ कैमराज हैं, यानी कि जीरो शटर लैग। और दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का MFNR कैमरा है वो भी सपोर्ट किया जाता है। तो जो MFNR है वो है मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन। तो दोस्तों, इन दोनों कैमरा में क्या डिफरेंस है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के लिए ये स्पेसिफिकेशंस हैं स्नैपड्रैगन 710 की। और दोस्तों, अगर वही मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 675 की, तो इसमें स्पेक्टर 250 LISP को यूज़ किया है जो कि बेटर है 250 ISP के कंपैरिजन में। ये भी 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट है और 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट है। ये दोनों ZSL टाइप ऑफ कैमराज हैं, प्लस ये भी 48 मेगापिक्सल का MFNR कैमरा को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो कैमरा कैपेबिलिटीज़ हैं वो स्लाइटली बेटर होने वाली हैं स्नैपड्रैगन 675 की। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो जो स्नैपड्रैगन 710 है उसमें आपको X15 LTE मॉडम देखने को मिलेगा, जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड है अप टू 800 MBPS, और जो इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो है अप टू 150 MBPS। और दोस्तों, ये चिपसेट ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है। और वहीं अगर मैं स्नैपड्रैगन 675 की बात करूं, तो दोस्तों उसमें आपको X12 LTE मॉडम देखने को मिलेगा, जिसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है मैक्सिमम वो 600 MBPS तक की है, और जो अपलोडिंग की मैक्सिमम स्पीड है वो है अप टू 150 MBPS। और दोस्तों, स्नैपड्रैगन 675 ब्लूटूथ 5.0 के साथ आपको मिलता है। और दोस्तों, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, तो दोनों ही चिपसेट क्वालकॉम हेक्सागन 685 DSP को यूज़ करते हैं। तो AI कैपेबिलिटीज़ में दोनों ही चिपसेट काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप इमेजिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो जहाँ पर भी AI का यूज़ है काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपैरिजन फैक्टर है वो है GPU। तो दोस्तों, स्नैपड्रैगन 710 में आपको एड्रिनो 618 GPU मिलता है जो कि रन करता है 825 MHz पे, और जो GPU कैपेबिलिटीज़ हैं इस चिपसेट की काफ़ी बेहतरीन है। और वहीं अगर स्नैपड्रैगन 675 की बात करता हूँ, तो दोस्तों उसमें एड्रिनो 612 GPU मिलता है जो कि रन करता है 700 MHz पे। तो यहाँ पे जो GPU कैपेबिलिटीज़ हैं स्नैपड्रैगन 710 की डेफिनेटली बेटर है, और आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऑन स्नैपड्रैगन 710। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बेंचमार्क स्कोर्स की। तो गीगबेंच सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही स्नैपड्रैगन 675 ने बेटर परफॉर्म किया है। इसका रीज़न यही है कि इसमें कोर्टेक्स A76 कोर जो कि लेटेस्ट है कोर्टेक्स सीरीज़ की, उसको यूज़ किया गया है। लेकिन दोस्तों, जहां पर स्नैपड्रैगन 710 शाइन करता है वो है उसकी GPU कैपेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें एड्रिनो 618 मिलता है जिससे आपकी गेमिंग काफ़ी बेटर होने वाली है। दोस्तों, N2 बेंचमार्क की बात करूं, तो दोनों ही चिपसेट काफ़ी क्लोज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो स्कोर है। तो दोस्तों, दोनों ही चिपसेट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 की जो पॉजिटिव है कि ये 10nm की टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है और काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, प्लस इसका GPU जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो यानी गेमिंग जो है वो बेटर होने वाली है स्नैपड्रैगन 710 के ऊपर।
तो दोस्तों अगर स्नैपड्रैगन 675 की बात करूं तो रॉ परफॉर्मेंस सीपीयू की जो है वो इसकी बेटर है इन कंपैरिजन टू स्नैपड्रैगन 710। और जो कैमरा ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 675 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू स्नैपड्रैगन 710। दोस्तों ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी अगर आप कोई कंपैरिजन की वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही दबाइए बेल बटन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।